कि भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत जब बोलता है, कुछ करता है, कोई भी एक्शन करता है तो दुनिया देखती है। हमारी स्थिति और पाकिस्तान की स्थिति में दुनिया के लेवल पर बहुत बड़ा अंतर है, इसको दुनिया जानती है। ये एक ऐसा विषय है, जल्दबाजी में कौन क्या कह रहा है, क्या कौन क्या सुन रहा है, ये वो विषय नहीं है। जो सटीक, अभी देखिए यूएन काउंसिल में जो पाकिस्तान ने अपना रुख रखा, अपनी बातें रखी, वो तो वही उसका पुराना राग है। उसका सटीक जवाब दिया गया दो बार, पूरी दुनिया ने सुन लिया कि वास्तव में भारत की बात क्या है, और दुनिया अंदर से समझ भी गई, जानती भी है। अभी सार की बात त्रिपाठी जी कर रहे थे, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? दुनिया नहीं देख रही होगी कि जो सार्क में 8 मुल्क हैं, उनमें 4 मुल्क तो अभी माने बैठे हैं कि ये देश जाने लायक नहीं है, उसमें भी मीटिंग में जाना नहीं चाहिए, वो तो आतंकवाद पैदा करने वाला देश है, वो खेती भी वही करता है, खाता भी वही है, पीता भी वही है। लेकिन हरपाल जी, मैं कहना चाहूंगा लेकिन रिजल्ट कहां से निकल कर आएगा? ऐसे ही एनएसजी में भी ऐसे ही हुआ, 48 में से 47 एक वक्त ऐसा भी है कि 47 देश समर्थन में आए, लेकिन फाइनली हमें उसमें जो है हमारी भागीदारी नहीं। देखिए वो एनएसजी की बात, आप वो दूसरा मसला है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश के जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोशिश का यहां क्या कुछ रिजल्ट निकलेगा, ये सिर्फ बातें बनकर रह जाएंगी। पूरी दुनिया इस बात को सोचे बैठी है कि भारत जो भी कदम उठाएगा सटीक उठाएगा, पूरी तैयारी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। जो अभी स्टेप 2-3-4 दिन के अंदर हुए, दुनिया ने इसको देखा है। ऐसा नहीं है कि एक घंटे के अंदर या रातों रात उठ करके चढ़ाई कर दें, सारे वो स्टेप्स पहले लिए जाने चाहिए, वो मेजर्स लेनी चाहिए जो जरूरी है, जिससे हमको ये दुनिया में किसी को बोलने का मौका ना मिले कि भारत ने जल्दीबाजी में ऐसा क्यों किया है। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, वो कह रहा है, रोज कहता है दिन में एक बार, हम परमाणु बम का हमला कर सकते हैं। उसकी स्थिति है ये, उसकी हालत है ये, दुनिया जानती नहीं है। जो करता है वो, जो करने वाला होता है वो इस तरह बोलता है क्या? इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार पूरी तरह सचेत है, देश के 123 करोड़ लोग पूरी तरह से मुतमईन है कि बहुत जिम्मेदार लोगों के हाथों में देश है, इसलिए जो भी एक्शन होगा वो सटीक होगा।